नमस्कार मित्रों जीके एग्जाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज हम इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण तो जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कल की तरह ही आपको लास्ट के पांच क्वेश्चन होंगे मैं अलग से बना के दे रहा हूँ मेरी तरफ से और मैं बोल रहा हूँ कि उन पाँच में से आपको पाँचों किसी हालत में नहीं कर सकते आप सही की सही तो मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात यह वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कोई ये लगे कि आप जो आउट ऑफ सिलेबस ऐसा भी नहीं है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन उससे पहले दोस्तों कल कुछ क्वेश्चन में डाउट था तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कल के जो क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन नंबर आठ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है चार ऑप्शन थे इसमें तो शायद हमने भाटी जैसलमेर बताया था तो वो राइट आंसर नहीं रहेगा राइट आंसर इसमें रहेगा परमार मारवाड़ दो नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा यानी ये सही जोड़ा नहीं है परमार का है मारवाड़ नहीं होगा तो ये होगा मालवा मध्य प्रदेश कुछ दोस्त वगैरह बता रहे हैं कि आबू होगा आबू नहीं होगा एक्चुअली परमार वंश का आरंभ है नवी शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्ण राज द्वारा हुआ था ठीक है और इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी बाद में एक राजधानी थार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित की गई है तो दोस्तों ये इसका रहेगा मालवा मध्य प्रदेश बाकी कुछ और भी इस पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना मैंने मेरी तरफ से जितना मुझे सही लगा मैंने वही आपको बताया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक ये था मैंने पूछा था आपको कौन सा किला सु, सु, सुमेलित नहीं है जो भी है तो इसमें ये था लोहागढ़ किला जैसलमेर ये इसका राइट नहीं था मतलब दो नंबर ऑप्शन था लेकिन ये भी नहीं बताया था कि मैंने लोहागढ़ किला कहाँ पे है आपसे पूछा था आप लोगों ने कमेंट किया बहुत अच्छा लगा तो लोहागढ़ किला कहाँ पे है भरतपुर में है ठीक है शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों साथ साथ में कमेंट करना और लास्ट में बताना कि आपके पच्चीस में से कितने सही हो रहे हैं और लास्ट के पाँच में से कितने सही हो रहे हैं जो दोस्त नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन दबाए और ऑल पे क्लिक करें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और जब वीडियो खत्म हो तो आप इसको व्हाट्सअप की स्टडी वाले पांच ग्रुप में शेयर कर देना क्योंकि एक साथ आप पाँच ग्रुप में शेयर कर सकते हो और ये पी फाइल चाहिए तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप फाइव का आप वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और कल शाम तक आपको पी फाइल ये मिल जाएगी ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण स्त्रियों के सर का आभूषण स्त्रियों के गले का आभूषण और स्त्रियों के कमर का आभूषण क्या का राइट तो तो <Week> आंसर है का पीपल पन्ना क्या है दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर दो जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला संगीत और साहित्य महान आश्रयदाता माना जाता है किसे माना जाता है स्वाईमाधो सिंह प्रथम स्वाई ईश्वरी सिंह स्वाई जगत सिंह और स्वाई प्रताप सिंह तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका स्वाई प्रताप सिंह चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है सालर धोकड़ा बांस और गुलर तो आदिवासियों के हरे सोने के नाम से क्या जाना जाता है बांस को तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन का एकदम राइट रहे कुछ क्वेश्चन आपको लगे दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस लेकिन दोस्तों हो सकता है लेकिन ये आप मुझे एकदम अच्छे क्वेश्चन लगे इसलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसके साथ साथ आप पुलिस पटवार किसी और टीचर वगैरह की तैयारी करो सभी में काम के आएंगे आप बाकी आपके सिलेबस के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित स्थानों में से संत त्रेदास का जन्म स्थान कौन सा है कौन सा है बताना बनारस जयपुर मथुरा और भीलवाड़ा क्या राइट रहे आंसर रहेगा दोस्तों बनारस एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चार का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच लटियाल देवी का मंदिर स्थित है शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ दोस्तों नागौर रणकपुर आबूर और फलोदी क्या राइट आंसर रहेगा लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है फलोदी में चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पाँच का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर छः वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पे स्थित है बुचंडला गलियाकोट नवलगढ़ और महेंदसर तो क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका बुचंडला एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छः का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सात राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रूशन की रचना की गई किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रूशन की रचना की गई दरियाव जी दादू दयाल जी मीराबाई जी और रामदास जी क्या राइट रहे आंसर रहेगा दोस्तों इसका दादू दयाल जी दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर साथ में एकदम राइट रहेगा साथ साथ में जल्दी जल्दी कमेंट करना दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ बागगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था सुरमल दास ने माओ जी ने मोतीलाल तेजाव जी ने और गोविंद गिरी जी ने क्या राइट आंसर रहेगा किसने किया था लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात तो राइट आंसर क्या रहेगा माओ जी ने दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आठ का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन बुद्धी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, की गंगा प्रसाद शास्त्री कांतिलाल हरिनारायण शर्मा और जगन्नाथ राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों कांतिलाल दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर दस निम्नलिखित में से कौन सा कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी शोभाराम मंगल सिंह शर्मा और टीकाराम पालीवाल कौन है जो भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों किशनलाल जो सी क्वेश्चन नंबर दस का एक नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा दोस्तों अगर आप, आप राजस्थान हाई कोर्ट पुलिस पटवार एसएससी बैंक टीचर किसी भी चीज़ के एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बुक आर्ट डॉट कॉम बी ट्रिपल ओके है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ से आप दोस्तों किसी चीज़ की स्टडी गाइड पूरी गाइड मिल सकती है आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे दो सौ रुपये से ज़्यादा कुछ परचेज करते हो तो डिलीवरी चार्ज भी आपको नहीं देना होगा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आपको है अगर इसके ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट की आप बुक्स परचेज करो तो दस अलग अलग ऑफर चल रहे हैं जिसमें से एक ऑफ़र ये भी है कि आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है अभी तो जल्दी से जाइए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं और आपको दस परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह राजस्थान के कौन से ताम्र पत्थर से रानी करमवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं आहड़ ताम्र पत्थर खेरोदो ताम्र पत्थर चिकली ताम्र पत्थर और पूरा ताम्र पत्थर क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान के कौन से ताम्रपत् से रानी करमती द्वारा जोहर हर के प्रमाण मिलते राइट आंसर क्या रहेगा पूर्व ताम्र पत्थर चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ग्यारह एकदम राइट रहेगा सुबह अक्की जी ने कमेंट की थी कुछ और दोस्त भी कर रहे थे जो हिंदी का वीडियो आया था कि स्लो क्यों बोल रहे हो दोस्तों एक्चुअली समय की समस्या थी तो मैं वीडियो मैंने आपको करीब रात को एक से डेढ़ बजे मैंने वीडियो बनाया था तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा धीरे बोलना क्योंकि आसपास में किसी को सुनाई ना दे इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था रात को डेढ़ बजे जब वीडियो बन रहा था किसी और को समस्या नहीं हो इसलिए आवाज़ थोड़ी धीमी थी उस चीज़ के लिए माफी चाहता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्थान सेवा संघ संघल भोगीलाल पांड्या बोरीलाल बया और गुरु गोविंद गिरी क्या, है? क्या राइट आंसर रहेगा भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया राइट आंसर क्या रहेगा गुरु गोविंद गिरी द्वारा क्वेश्चन नंबर बारह का चार नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है बनास चंबल कोठारी और बाणगंगा क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी कहलाती है राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी क्वेश्चन नंबर तेरह का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह लूम डबल बॉक्स जे कार्ड था डाबी संबंधित है किससे संबंधित है चार ऑप्शन है जल्दी से देख लीजिए दोस्तों खादी परिधानों की लोकप्रिय बनाना कोटी डोरिया में तकनीकी सुधार करना परिधानों की एक नई डिजाइन तैयार करना दस्तकारों के लिए नई योजनाएं बनाना तो राइट आंसर क्या रहेगा कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार करना क्वेश्चन नंबर चौदह का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह निम्नाकित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है भरतपुर जयपुर अलवर और बीकानेर क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पे है तो राइट right आंसर क्या रहेगा दोस्तों जयपुर जिला क्वेश्चन नंबर पंद्रह का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह राजस्थान का कौन सा जिला रोक फोसपेट खनिज का उत्पादक नहीं है यानी तीन ज़िले हैं जो रोक फोसपेट खनिज के उत्पादक हैं एक नहीं है कौन सा नहीं है उदयपुर पाली जयपुर और जैसलमेर कौन सा नहीं है पाली जिला नहीं है ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सोलह का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह राजस्थान के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र दो हजार तेरह चौदह के अनुसार में बोई जाने वाली फसलें हैं अनाज दाल, दालें गन्ना कपास और तिलहन क्या राइट आंसर है कौन सी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है वो है अनाज ठीक है एक नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा अब ये मत बोलना दोस्तों कि दाल भी अनाज के अंदर आती है क्वेश्चन इस हिसाब से मैंने आपको भी बताया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है जोधपुर श्री गंगानगर बूंदी एवं शिरोही तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है जोधपुर गंगानगर बूंदी एवं शिरोही राइट आंसर क्या रहेगा बहुत बढ़िया एकदम सही है गंगानगर दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अठारह का एकदम राइट है आप लोगों में से कौन कौन दोस्त गंगानगर से हैं जरूर कमेंट करना हमें बताना कि गंगानगर से कौन कौन है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्वेश्चन नंबर उन्नीस निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्त्रोत है कांवरसेन लिफ्ट नहर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और पोकरण लिफ्ट नहर कौन सी है जो हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्त्रोत है तो इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर उन्नीस का एकदम राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है कौन सी जिले के अंदर नदी नहीं है चूरू अजमेर झुंझुनू और श्री गंगानगर राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों कौन से के अंदर नहीं है चूरू ज़िले के अंदर एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बीस का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पच्चीस क्वेश्चन है दोस्तों अब ये मानना दोस्तों अब लास्ट के जो पांच क्वेश्चन है आप ईमानदारी से बताना कि लास्ट के पांच में से आपके कितने सही हो रहे हैं और ट्वेंटी फाइव में से कितने सही हो रहे हैं और आप इस हिसाब से करना कि ये आज आपका एग्ज़ाम चल रहा है अभी और ये आप एग्जाम के अंदर बैठे हो या आगे की पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं और एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है मतलब आप तुक्के नहीं ईमानदारी से करने हैं अब तुक्के मारोगे आपके तुक्का लगेगा आप बोलते हो सर मेरे इतने सही हो ऐसा नहीं आपको सही सही कितने आ रहे हैं ये बताना पर ये मानना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप करना नहीं है आप आंसर दे सकते हो लेकिन लास्ट में तो जब बताना पच्चीस में से आप पाँच में से कितने सही हो रहे हैं तो आपको बताना है तो जरीब क्या है दुल्हन की पोशाक कृषि भूमि की माप करने की चैन कायिस्तों की एक वैवाहिक रस्म और मांगलिक लोकगीत क्या राइट आंसर है दोस्तों सही सही बताना लास्ट में कितने हो रहे हैं बस ये मानना कि एग्जाम में बैठे हो आज आप तो जरीब क्या है दोस्तों कृषि भूमि की माप करने की एक चैन होती है क्वेश्चन नंबर इक्कीस का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस जग्गो क्या है पतली छाछ दुल्हे दुल्हन की विवाह की जूतियों या उनको जुतियाँ का जो जोड़ा होता है उनको जग्गो कहते हैं क्या गन्ने पेलने का कोल्लू और पीतल का एक बड़ा जलपात्र तो जग्गो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा पतली छाछ एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आंबो है आंबो क्या है चमड़ा साफ करने वालों से लिया जाने वाला कर बैलगाड़ी की के नीचे लगाया जाने वाला उपकरण पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला लोकगीत और कंधे पर सामान लाद कर बेचने वाला व्यापारी क्या है आंबो किसे कहते हैं दोस्तों ट्वेंटी तो थ्री का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला एक लोकगीत उसको अम्बो कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का तीन नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ये तो हो गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी है चांदनी किसे कहते हैं चांदनी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है चांद है और सीधा अणी है ये आधा नया नहीं आएगा एक प्रकार का अर्ध चंद्राकर आभूषण प्रदानसीन स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र दांतों में लगन लगाने का आभूषण और पशुओं के दाग लगवाना की जो पशुओं के दाग लगाने की जो क्रिया है या उनको चांदनी कहा जाता है क्या राइट आंसर रहेगा चांदनी क्या है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों प्रदानशीन स्त्रियों के पर्दा करने का एक वस्त्र उसको चांदनी कहा जाता है ट्वेंटी फोर का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टीप क्या है टीप क्या है दीवार आदि में पत्थरों को जोड़ने के लिए लगाया जाने वाला चूने सीमेंट का मसाला खेत की मेड़ या खेत का मेड़ खेत की मेड़ यादाश्त के लिए दी जाने वाली लिखावट और मकान के छज्जे के बीच में लगने वाली लंबी मोटी लकड़ी लंबी मोटी है दोस्तों यहाँ पे लकड़ी क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों टीप क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पांचों के पांचों के क्वेश्चन शत प्रतिशत बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दीवार आदि में पत्थरों को जोड़ने के लिए लगाया जाने वाला चूने सीमेंट का मसाला और यादाश्त के लिए दी जाने वाली लिखावट इन दोनों को ही टीप बोला जाता है ट्वेंटी का एक नंबर और तीन नंबर दोनों ही एकदम राइट हैं अगर एक साथ दोनों मिल जाते हैं तो आपको मिलेगा एक के दो नंबर दोनों ए बे दोनों अगर इन दोनों में से एक भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में तो वही एक ही करना है ठीक है तो एक नंबर और तीन नंबर दोनों ही सही हैं आई होप दोस्तों तो आज आपको भी ये क्वेश्चन बढ़िया पसंद आए होंगे पसंद आए हैं तो इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए वीडियो ख़त्म हो रहा है स्टडी वाले सिर्फ पांच ग्रुप में शेयर कर दीजिए मुझे लगेगा हाँ मैंने वीडियो बनाया है मुझे इसका फल मिल गया आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दे तो आपको ये चीज़ पसंद आ गई है बस दोस्तों ठीक है आपको ये पसंद करना है लाइक और शेयर करना है ठीक है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद